बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो आज जो है ना, मैं आपको बहुत अच्छा किस्सा शेयर करने वाली हूँ कि हमारे पास जो है ना, यूके में धुंध जो है बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, जो कि हम पाकिस्तान में ये चीज़ देखते थे, आज यूके में मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी है। तो बहुत ज़्यादा धुंध है अभी, इधर से आपको इतनी नहीं नज़र आ रही होगी, लेकिन अभी आ जाती है। ये ज़रा चेक करें आप, ईमान चाहती है कि मैं भी टॉक करूं। करें ईमान टॉक। ये ना जो ना हर तरफ जगह पर है, सारे अर्थ पर फैल गई है। अच्छा, और ये ना आगे चले। पाकिस्तान तो उनसे भी ज्यादा हो गई है, पाकिस्तान तो उनसे भी ज्यादा हो गई है। ईमान कह रहा है कि ये पाकिस्तान से भी ज्यादा धुंध हो गई है। तो वाकई काफी ज्यादा धुंध पड़ी हुई है। पाकिस्तान की धुंध थोड़ी हो गई है और हमारी धुंध ना ज्यादा हो गई है। हमारी धुंध ज्यादा होती है जी। ठीक है, तो बहुत ऐसे आज ना बहुत ठंड है। चले आ जाए ईमान, जल्दी से जल्दी से इधर आए। इधर बेटा, आज तो तेरा नजर भी नहीं था आ रहा। तो आज जो है धुंध का सीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी जी बेटा, तो आज जो है ना क्रॉसिंग करने में भी मुश्किल हो रही है। ये इधर से आप चेक करें कि कुछ भी नहीं नजर आ रहा, इस तरह का हिसाब है। चले अयान साहब, चले चले चले। तो फिर ना वैसे धुंध में कहते हैं ठंड नहीं लगती, लेकिन मुझे तो लग रही है बहुत ठंड है ऐसे, आज बहुत फील हो रही है। तो वैसे भी दिसंबर का जो मंथ है वो स्टार्ट होने वाला है, इस वजह से फिर ठंड भी बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जो है, आप प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि ये जो ठंड है ना आती जाती लग जाती है और बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो मैंने भी आज बच्चों को जो है ना डबल शर्ट जो है ना वो पहनाई है, ताकि इनको ठंड ना लगे। हालांकि स्कूल में हीटर होते हैं, लेकिन ये है ना कि हम वालदैन जो होते हैं, हमें थोड़ा सा होता है कि हमारे बच्चों को ठंड ना लगे। इंतज़ाम तो होना चाहिए ना। तो रास्ते में ठंड लग जाती है, चले स्कूल में तो हीटिंग होती है, वहाँ पे ये जो है ना रिस्क नहीं लेते, वहाँ पे बहुत हीटिंग होती है, बच्चों का भरपूर इंतज़ाम होता है। चले जल्दी से, चले जल्दी से ईमान, जल्दी से चले। कान पर लगी उधर, आपको लगी है? अच्छा, हाँ जी। ईमान आपके स्कूल में भी धुंध बहुत है जी। मेरे स्कूल में ना ज्यादा ज्यादा की जाते हैं ना, ज्यादा हो गया। अच्छा, मैं भी यही सीख रही थी। तो आज वैसे जो पैदल चलने वाले हैं या गाड़ियों वाले, सबको मुश्किल हो रही है, क्योंकि धुंध है तो फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है। हाँ, मैंने ईमान का इंतजाम किया हुआ है। वो आपकी टीचर आ गई। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ईमान आपको बाय बाय सब कर रही है। तो स्कूल का गेट जो है वो ओपन हो गया और बच्चे जो है सभी जा रहे हैं। और ईमान ने स्पेशली जो है ना आप सबको बाय बाय भी बोला है। क्योंकि हमें जो है ना गेट ओपन होने से पहले जो है ना पहुँचना पड़ता है। कभी ऐसा हुआ नहीं है अभी 2 सालों में कि मैं लेट हुई हूँ आने जाने में, कि टाइम पे, बिल्कुल टाइम पे या टाइम से पहले। हमेशा इस चीज़ का मैंने ख्याल रखा है, क्योंकि वक्त की पाबंदी करनी चाहिए, हम सबको वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। और स्पेशली जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तब तो कुछ फिर जो है ना कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि बच्चों को इंतज़ार करना जो बिल्कुल पसंद नहीं होता। बहुत मायूस हो जाते हैं इन चीज़ों से कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमसे प्यार नहीं करते, उनके माइंड में जो है ना वो सोचे आती हैं फिर, इसलिए ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। और हालांकि जितना बच्चों को वालदैन प्यार करते हैं, मेरा ख्याल है कि दुनिया में कोई नहीं कर सकता, सबके पेरेंट्स का यही हाल है।
यहाँ पे तो फिर कुछ ज्यादा ही सीन है दूर का ना। और वैसे जहाँ पे जो है ना कह लें कि विलेज गाँव का जैसे माहौल है वहाँ पे दरख्त वगैरह ज्यादा होते हैं, उधर तो फिर ज्यादा ही धुंध होगी। तो अभी मैं आई हूँ लिडल मार्केट में, यहाँ पे मुझे कुछ चीजें चाहिए वो मैं लूंगी, क्योंकि बच्चों को छोड़ने के बाद ना जो मार्केट है उसमें आना बहुत ज़रूरी था। बच्चों के जो है ना बिस्किट लेने थे, इसकी वजह से उन्हें मुझे फिर दिल होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए उसी वक्त वो चीज़ ले आऊँ। वैसे भी वो ख़त्म हो गए थे, तो सबसे बड़ी सहूलत ये है कि बिल्कुल घर के साथ है, अगर ना होती तो क्या उसी वक्त आना था। सबसे बड़ा हमें फ़ायदा ये है कि चीज़ जो है उसी वक्त मिल जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग जो है ना वो आपको अच्छा लगा होगा। अब सर अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।